क्लास टेंथ एक्सरसाइज 3.4 का क्वेश्चन नंबर थर्ड, थर्ड का थर्ड पार्ट। द कोच ऑफ ए क्रिकेट टीम बाय सेवन बैट एंड सिक्स बॉल फॉर रुपीज 3,800। सात बैट और छह बॉल खरीदता है क्रिकेट टीम का कोच 3,800 रुपीज में। ठीक है, तो इसका ये पहला इक्वेशन इस वाले से बन जाएगा, सेकंड इक्वेशन यहाँ से बनेगा, सी बाइज थ्री बैट, और फिर बाद में वो क्या करता है, कहते हैं कि वो तीन बैट और पांच बॉल खरीदती है तो 1,750 रुपीज का। ठीक है, तो हमें फाइंड करना है एक बैट और एक बॉल का क्या कॉस्ट होगा। तो हम इसका सॉल्यूशन करते हैं, क्या होगा, लेट करेंगे, लेट कॉस्ट ऑफ ए बैट, एक बैट का कॉस्ट हमने एक्स मान लिया, और कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई मान लिया, कॉस्ट ऑफ ए बैट एक्स एंड कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू वाई। अब क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है ना, सेवन बैट एंड सिक्स बॉल, तो सेवन इंटू एक्स ये हो जाएगा कॉस्ट ऑफ सेवन बैट, और कॉस्ट ऑफ सेवन बॉल इक्वल टू हो जाएगा सिक्स बॉल, कॉस्ट ऑफ सिक्स बॉल इक्वल टू सिक्स वाई इक्वल टू टोटल कितने हैं 3,800 रुपए। इक्वेशन फर्स्ट, अगेन फिर क्या हो जाएगा, थ्री एक्स एंड थ्री एक्स प्लस फाइव वाई इक्वल टू 1,750, इसको हमने इक्वेशन टू मान लेना है। अब चूंकि सब्स्टिट्यूशन मेथड्स कह रहा है, तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करेंगे, हम यहां से एक एक्स का वैल्यू ऐसा फाइंड कर लेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, वी हैव सेवन एक्स प्लस सिक्स वाई इक्वल टू 3,800, या फिर सिक्स वाई इक्वल टू 3,800 माइनस सेवन एक्स, या फिर वाई इक्वल टू 3,800 माइनस सेवन एक्स अपॉन ये सिक्स, यहां से ऐसे आ जाएगा, है ना। अब ये जो वैल्यू हमारा आया वाई का, इस वाई के वैल्यू को हम क्या करेंगे, इक्वेशन टू में पुट कर देंगे, इक्वेशन टू में पुट कर देंगे। पुटिंग द वैल्यू ऑफ वाई इन इक्वेशन टू, है ना। तो इक्वेशन टू हमारे पास क्या है, थ्री एक्स प्लस फाइव, और वाई का वैल्यू, ये वाई है, वाई की जगह पे हमें पुट कर देना है 3,800 माइनस सेवन एक्स अपॉन सिक्स इक्वल टू 1,750। ठीक है, हमने ये वाई की जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसका एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं एलसीएम, तो क्या हो जाएगा, ऐसे एलसीएम लेते हैं तो ये हो जाएगा सिक्स, सिक्स थ्री जा 18x, और प्लस ये जैसे का वैसे रहेगा, इसको साथ में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्या हो जाएगा, फाइव सेवन जा 35x इक्वल टू 1,750। अब ये 18x में से 35 माइनस 35x, इसको माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा माइनस 17x प्लस 19,000 और इक्वल टू 1,750, और ये 6 इधर डिवाइड में इधर आएगा तो मल्टीप्लाई में चले जाएगा। ठीक है, क्योंकि माइनस 17x इक्वल टू, अब पहले इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 0 6 5 जो 30 0 3 रह जाएगा 45 4 रह जाएगा 6 6 4
जा रहा है, और ये इधर चले आएगा माइनस में 19000। ठीक है, ये हो गया माइनस 17x इक्वल टू, अब इसको इससे माइनस करेंगे तो जाएगा 8500, वो भी माइनस में। तो माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा, x इक्वल टू हो जाएगा 8500 अपॉन में 17। तो इसको आप डिवाइड करेंगे 17 5 जा 85, तो ये हो गया 500। x इक्वल टू हमारा निकल के आ गया 500, है ना। तो कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू कितना था हमारा, x हमने मान रखा है, कॉस्ट ऑफ वन बैट इक्वल टू x, तो x इक्वल टू आ गया 500 रुपीज, है ना। अब देखते हैं अब क्या कहता है। अब इस वाले x को हम किसी इक्वेशन में पुट कर देते हैं, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट, तो क्या आ जाएगा 7 × 500 + 6y = 3800। अब इसको क्या लिखेंगे, 6y = 3800, और माइनस इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 35 इधर ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस 3500। ये हो गया y इक्वल टू, अब इसमें से इसको माइनस करेंगे तो हो जाएगा ये 300 अपॉन में 6, तो 6 5 जा 30, ये हो गया 50। तो y इक्वल टू निकल के आ गया हमारा, y इक्वल टू निकल के आ गया 50। ठीक है, तो कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू 500 और कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू 50, है ना। तो ऐसे लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ ए बैट इक्वल टू x इक्वल टू 500 और कॉस्ट ऑफ ए बॉल इक्वल टू y इक्वल टू 50 रुपीज। ये हो गया आंसर।